15 अगस्त 2019 है, कुछ ही दिन के बाद क्या फंक्शन होने वाले हैं, इसलिए हम सुबह निकले मीना की तरफ, जो कि रास्ता है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, तो अपना खेमा लोकेट करने के लिए और जमरात का एरिया देखने के लिए हमारे साथ हमारे मौलिम हैं मुर्शिद साहब, वो ये है रामबन से एक। अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना, पहले जो तालमेल में हमने कहा कि मीना को तीन हिस्सों में बांटा गया, तीन पुल हैं, एक तो जिस पर आप हैं, दूसरा वो सामने से गाड़ियां जा रही है ना, जो गाड़ियां जा रही है ये क्रॉस कर रहा है पूरे मीना को, ठीक है, वो आ रही है बड़ी गाड़ियां। जिस दिन आपको ये ज्यादा के लिए जाना होगा, इन्हीं पुलों पर आना है आपको, गाड़ियाँ यहाँ से मिलती है वो हरण छोड़ती है, बस पकड़े या टैक्सी पकड़े, हाँ, और लास्ट पुल है उधर पीछे जो वो पौड़ी जा रही है ना ऊपर, उससे पीछे आपको मुंजलबा आ गया, वहाँ जा रख लेना, लास्ट जो पौड़ी है वो जो नजदीक वो पहाड़ी नजर आ रही है, पहाड़ी पर जो पौड़ियाँ नीचे आ रही है वो लास्ट है आपको शाख पे फैसल उसको बोल रहे हैं, पीछे मुंजलबा है, ठीक है, वहाँ ध्यान रख लेना आपको। आप तो दूसरे मंजिल में दूसरे मंजिल में आप प्रेमी जबरा कर रहे हैं, यहाँ से आपको डाइवर्सन आ जाएंगे, ये ओवर ब्रिज है, आपको हाथों में देने छोटे कहाँ से चलना है, कहाँ से रास्ता चलता होगा, जहाँ से लोग चलते हैं वहाँ से जाना है, तो आज आप उनके सुविधा को पहुँचाएगा, रुकना नहीं, सीधे चलना है, वहाँ तो पानी वापस नहीं उड़ेगा, वापस होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सीधे ना चलना है, और वहाँ से जो मैं पीछे की थोड़ी बताया था कि ये देखी के जो ये पहाड़ी है जो आपने टनल के पास देखा था कि इधर से जमरात है, वो इस पहाड़ी को पीछे से घूम के आता है, तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 किलोमीटर बेहतर है टनल से, 1/2 किलोमीटर मस्जिद एक है। मस्जिद एक है, मस्जिद खैफ मीना में जमरात के बिल्कुल पास में, जहाँ की तकरीबन 40 अम्बिया ने नमाज पढ़ी है, जब आप जाएं वहाँ तो कम से कम 2 रकअत ज़रूर पढ़ें,